this is my brother George. I'm going to call him about this point together. I'm going to put it together. I'm going to use this. I'm very disappointed. Hi everyone, welcome back to our channel. तो आज हम आप लोग के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आया है। तो क्या है कि 24 सितंबर को मेरा बर्थडे था, सो ऐसे बर्थडे गिफ्ट हम खुद को आईफोन 13 गिफ्ट कर रहा था। तो ऐसे आप लोगों को सबको पता ही था बिग बिलियन सेल चल रहा था ना, तो उसमें हम जो आईफोन 13 थे बहुत कम हो चुका था, इसलिए हम जो उसको ऑर्डर किए खुद का बर्थडे गिफ्ट के लिए, तो फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया है। तो वहाँ पर 29 सितंबर जो डेट दिखा रहा था डिलीवरी का, तो हम बहुत खुश रहना चलिए आ जाएगा करके। तो 20 हम रोज ट्रैक करता था और 27 जब पहुंचा तो वहाँ दिखा रहा था डिस्पैच फ्रॉम गुवाहाटी। तो फिर हम सोचा कल या परसों तक आ ही जाएगा, 29 डिलीवरी दे था तो हम सोचा कि शायद 28 तक आ जाएगा करके, क्योंकि डिस्पैच फ्रॉम गुवाहाटी शो हो रहा था। देन नेक्स्ट डे को हम फिर जब चेक किया तो कोई अपडेट्स नहीं दिखा रहा है। 27 सितंबर को जो अपडेट्स दिखाया था डिस्पैच फ्रॉम गुवाहाटी, बस वही सेम शो हो रहा है। तो फिर ठीक है, हम सोचा हो जाएगा करके। फिर नेक्स्ट दिन 28 को भी हम फिर चेक किया, फिर भी स्टिल सेम अपडेट्स ना, और कोई नई अपडेट्स था वहाँ पर। तो हम इसलिए फिर सेंटर में भी कॉल किया फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर में, तो उन लोगों ने बोला है कि मेरा सामान पहुँच जाएगा, तो मतलब कि चिंता मत करिए करके। तो फिर हम सोचे वो लोग कुछ इश्यू के कारण हो सकते हैं, बट स्टिल मेरा कंसर्न ये था कि चलो मेरा प्रोडक्ट कहीं भी हो, इफ़ ड्यू टू सम रीज़न ये डिले भी हो गया हो, तो एटलीस्ट हमको शो होना है ना कि मेरा सामान कहाँ, इफ गुवाहाटी से डिस्पैच हो गया तो तिनसुकिया में है या डिब्रूगढ़ कहाँ है, एटलीस्ट हमको वो वहाँ दिखाना चाहिए। तो और आप लोग भी जानते हैं इतना स्कैम होता है, फ्रॉड होता है आजकल ऑनलाइन ये सब में, तो हम थोड़ा डर गया था। और आईफोन 13 का प्राइस भी आप लोग जानते हैं कितना है ना, तो और हम ये जो किसी के कंट्रीब्यूशन किसी से मांगा नहीं पैसा, हम खुद का अपना सेविंग से खुद का अपना इनकम से हम उसको खरीदा है, हम किसी से एक पैनी नहीं लिया इसके लिए। तो फिर 29 हो गया, तो 29 को भी दिखा रहा था कि अराइविंग टुडे, बट व्हेन आई चेक ना हम ट्रैक कर रहे जब उसको, तो वहाँ पर सेम चीज़ दिखा रहा है। तो हम फिर थोड़ा डर गया, तो फिर हम दोबारा सेंटर में कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि ड्यू टू सम रीज़न मतलब कि आपका सामान जो डिले हो जाएगा 2 अक्टूबर तक आ जाएगा करके। तब तो ठीक है, फिर हम सोचा, लेकिन एक मन में डर रह गया था मतलब क्यों ऐसा हो रहा है ऐसा। तो फिर हम वेट किया, हर हम फिर स्टिल रोज चेक करता था कहाँ पहुँचा है सामान, लेकिन स्टिल नो अपडेट्स, सेम चीज़ दिखा रहा था 27 डेट का गुवाहाटी से डिस्पैच हो गया करके। तो फिर 2 तारीख आया, अराइविंग टुडे दिखा रहा था, बट स्टिल वहाँ पर सुबह को सेम ही डिटेल्स मतलब कि दिखा रहा था कि डिस्पैच फ्रॉम दिस गुवाहाटी के 27 का ही डेट। तो मेरा मन में बहुत मतलब वो हो रहा था, फिर डेट एक्सटेंड हो जाएगा क्या, या कहीं मेरा सामान कुछ हो रहा है क्या ऐसा। तो फिर हम जो बाद में दिन को हम फिर चेक किया, तो दिखा रहा था कि आज मेरा सामान डिलीवरी होगा और होगा, और प्लस हमको एक मैसेज आया कि आज आपका सामान पहुंच जाएगा, और एक OTP आया, हम बहुत खुश हो गए प्लस। लेकिन मेरा एक मन में डर भी रह गया था कि अगर सामान आएगा भी तो कैसा आएगा, मतलब कि प्रोडक्ट अच्छा आएगा या रिफर्बिश आ सकता है या कुछ डिफेक्ट का साथ आएगा, या बहुत लोग बोलते हैं साबुन आता है पत्थर आता है, तो हम बहुत डर गया था। तो ठीक आया, उसके बाद आने के बाद हम अपना जब प्रोडक्ट चेक किया तो हम बहुत सेटिस्फाई हुआ हमको, और मेरा मन का डर जो गायब हो गया। आप लोगों को हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा अभी हम मेरा आईफोन 13 को। हाँ क्या सर्विस सिलेंडर को चेक करने बोला है? नहीं, हम लोग खुद से ओपन कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको होने से, इसलिए डेली उसको बुक करने के लिए ऑप्शन में बोल के परचेस करते समय में इससे। नंबर चेक नंबर
ये सीरियल नंबर, कौन सा सीरियल नंबर? तो क्या करना है तो नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्स माई आईफोन। एक्चुअली इसको हम अनबॉक्स कर चुका है क्योंकि जब डिलीवरी हुआ था ना उस समय को हम लोग जो ओपन बॉक्स डिलीवरी का ये हम लोग का जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको क्या करना होता है जब डिलीवरी बॉय आपको डिलीवर करने आता है उसी समय हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है, तो उन्हीं को ही अनबॉक्स करने देना पड़ता है। तो उसके लिए इसको हम पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुका है, बट स्टिल आप लोग को हम दिखाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट आया है, सॉरी ब्लू कलर में मंगाया था मैंने, तो इसको हम ऑन भी कर चुका है, यहाँ सिम भी डाल चुका है हम। माय फर्स्ट मोबाइल आईफोन मोबाइल, बहुत अच्छा यूज करने के लिए एंड कैमरा क्वालिटी तो एकदम मस्त। ओके ये हो गया, आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है आपको दिखाएगा हम। ये फोन आता है और देन दिस केबल आता है, आपको चार्जर एडाप्टर नहीं मिलता है दिस वन। एंड फिर ये आपका है इसका राम कथा आईफोन के बारे में जो कि यूज नहीं है। एंड देन ये पिन, इसके बाद यहाँ एक एप्पल का स्टिकर मिलता है और नथिंग, आपको एडाप्टर भी अलग से खरीदना पड़ता है। सो हमने एडाप्टर लिया है, कहाँ के एडाप्टर, दिस वन एडाप्टर, और ये हमको पड़ा 1600 रुपीस फॉर दिस ओनली। और मैंने टेम्पर ग्लास भी लगा लिया है एंड देन मैंने एक कवर लिया है, बहुत सारा धुना है लेकिन पूरा तेजू में हम धुन चुके हैं, मेरे को नहीं मिला। सो अभी के लिए यही। सो और एक्चुअली बिग बिलियन सेल समय में क्या था कि जब 23 से लगा था तो 23 का रात को बहुत कम था पैसा, बट हमको ऑनलाइन मंगाने बहुत डर लगता है, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो फिर हम नेक्स्ट डे को ही चुका था। और अभी हम नहीं रिवील कर सकते आपको इसका प्राइस, कॉस्ट, मेरा मम्मी भी मेरा ब्लॉग देखता है, सो अगर मम्मी को पता चला तो शिवा वो, सो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, आई विल कमेंट। ओके आई एम सो हैप्पी विद माई प्रोडक्ट एंड थैंक यू फ्लिपकार्ट, वही ये थोड़ा डिलीवरी में डिले हो गया बट स्टिल आई एम हैप्पी क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा आया है। और हमको ये भी एक डर था कि कहीं रिफर्बिश वाला ना आ जाए या कुछ डिफेक्ट ना आओ, मतलब कहीं स्क्रैच ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं था। आई एम सो हैप्पी विद दिस, और दिस इज माई बर्थडे गिफ्ट टू मी। और ऐसा तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया बट हमको और भी बहुत सारा गिफ्ट लोग मिला है, तो उसको हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा सोचा था बट अभी नहीं दिखा पाऊंगी मैं। बट दिस इज गोल्ड चेन फ्रॉम मम्मी, फ्रॉम माई मदर, शी गेव मी एज अ बर्थडे गिफ्ट। इससे तो मम्मी ने एडवांस दे दिया था क्योंकि 24 सितंबर को मेरा बर्थडे था, मम्मी ने एडवांस ही दे दिया था, तो शायद आप लोग ने बहुत सारा ब्लॉग में भी देखा ही होगा ये मेरा गोल्ड चेन को। थैंक यू मम्मी। ओके तो आज का ये वीडियो यहीं तक था, बस आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता था। और बहुत लोगों ने भी शायद ऑनलाइन मंगाया होगा, उन लोगों को भी कुछ एक डर होता होगा ना, तो जस्ट उन लोगों के लिए थोड़ा मन हल्का हो जाने के लिए। और मेरा बहुत सारा दोस्तों को भी मंगाया है तो पहुँच जाएगा अच्छे से, मेरा भी अच्छे से पहुँच गया और सब प्रोडक्ट भी अच्छा आया है। सो फ्लिपकार्ट थैंक यू। ओके सो आज का वीडियो यही ख़त्म करता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।